नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित नॉन सिंगलर। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा, उनकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा, विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। जिन क्वालिटीज़ और विशेषताओं को आपको नहीं अपनाना, उन लोगों से संपर्क आप करते हैं नहीं करते, संपर्क में रहते हैं नहीं रहते, ये आपके ऊपर है, पर कोशिश करें उन्हें अवॉइड करें। अगर वाकई में आपको ईश्वर को पाना है, आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको अपनी आत्मा को एक उन्नति के पथ पे लेके जाना है, अगर आपको प्रेत योनि में ज्यादा समय नहीं बिताना, तो इन लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कभी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हो, जब भी आप अपने आप को पहचानते हो, जब भी कोई भी इंसान हो वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तो उसकी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां आएंगी। जैसे कि कोई झूठ बोलने वाला इंसान है, हर वक्त झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, बेवकूफ बनाता है, तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और जो इंसान सच बोलता है और हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करता है, लोगों की मदद करता है, किसी के साथ गलत नहीं करता, तो उसकी ज़िंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी रहती है। और ये मुश्किलें कुछ खास तरीके के लोग पैदा करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि जो सच्चाई है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। आज के इस कलयुग में भी धर्म बहुत कम है और अधर्म ही अधर्म है। तो जब आपने अधर्म छोड़ के धर्म के पथ पे चलने का अगर निर्णय ले लिया है, तो ये लोग आपको कभी भी वो मंजर नहीं अपनाने देंगे जब आप ईश्वर से मिलन कर सको। ये कोशिश करेंगे कि आप इनके जैसे बन जाओ, और हर तरीके से इनकी यही कोशिश रहेगी कि वो आपको आपके पाथ से डाइवर्ट कर सके। तो इन लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता हूँ, उससे आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी क्या इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, और किस तरीके से आपके जीवन को इफेक्ट वो लोग कर रहे हैं, आप पहचान जाएंगे। दोस्तों, पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है कि जैसे सपोज मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी और कहा था कि आप लोग नॉन वेज मत खाइए, मीट मांस मत खाइए, शराब मत पीजिए। तो मीट मांस अंडा शराब ये मैंने मना किया था कि अगर आपको अपनी आत्मिक जर्नी को सुधारना है, अगर आपको ईश्वर से मिलन करना है, अगर आपको वाकई में एक अच्छा इंसान बनना है, आपको अपनी आत्मा को अगर शुद्ध करना है, मलिनता का स्तर घटाना है, तो आपको मीट मांस अंडा छोड़ना पड़ेगा। इसके कारण आपको पता ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा कि किसी के भी अगर आप प्राण हरते हैं, किसी को भी आप जीने का उसका अधिकार छीनते हैं, और किसी को भी प्राण हरने से पहले वो दर्दनाक मौत देते हैं, जब उसके शरीर पे घाव हो, जब वो तड़पे, तो उस आत्मा के द्वारा उठाई हुई उस तड़प, उस बेवक्त मौत का जिम्मेदार आप होते हैं, और उसका पाप कर्म आपको लगता है। तो बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को समझे, उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि हर इंसान के अंदर आत्मा है, और हर इंसान की तरह हर जानवर के अंदर भी आत्मा है। और ये रियलाइजेशन कि हमारी तरह जानवरों में भी आत्मा है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी चोट लगती है, उनको भी जीने का अधिकार है, जब ये रियलाइजेशन होने लगती है, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं सुधर सकते, जो इस चीज़ को नहीं समझ सकते, जो नहीं अपनाना चाहते इस फैक्ट को कि जानवरों में भी आत्मा है, उनको भी दर्द होता है। वो कहते हैं कि हमें तो हमारे जीव का स्वाद है, हमने तो मीट खाना है, हमने तो मुर्गा काटना है, हमने तो चिकन खाना है, हमने तो बकरा काटना है, हमें तो मछली खानी है, हमें तो शराब पीनी है, हमें तो रोज अंडा चाहिए ही चाहिए। तो चाहे वो मुर्गी कितनी प्रसव पीड़ा झेल रही है तुम्हारी वजह से, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके के लोग जिनके मुंह में खून चढ़ा हुआ है, चाहे उनके हजार बहाने हैं, प्रोटीन है, पावर है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या उनके नाटक है अपने जीभ के स्वाद को पूरा करने के लिए, तो वो लोग आपको खराब करने की कोशिश करेंगे, डाइवर्ट करेंगे। आप कहोगे जाके भाई मैंने मीट खाना छोड़ दिया, नॉनवेज मैं नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, तो उन्हें उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि अरे ये क्या हो गया। तो आप कहोगे कि भाई मुझे मेरे गुरु ने बताया है, या मेरे को मैं किसी को सुनता हूँ, तो कहेंगे कौन है ये जिसने तुम्हें गलत शिक्षा दी है, तुम्हें पता है इसमें कितनी पावर होती है, तुम्हें पता है इसके कितने फायदे होते हैं, और क्या कहेंगे आपको, दलील देंगे कि इतने जानवर बढ़ रहे हैं, अगर हम इन्हें काटेंगे नहीं तो फिर कैसे ये जो है ये तो पूरी धरती जानवरों से भर जाएगी, और हम भी जानवर हैं। तो तरह तरीके की उनकी दलीलें होंगी अपने गलत कार्य को, अपने पाप कार्य को सार्थक बताने के लिए। कोई धर्म का सहारा लेगा, कोई लॉजिक का सहारा लेगा, कोई प्रैक्टिकलिटी का सहारा लेगा, कोई साइंस का भक्त होगा। तो इस तरीके के लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि अगर आप इनके कहे में आके दोबारा आपने मीट खाना शुरू कर दिया, अंडा खाना शुरू कर दिया, तो आप वापस उसी मलिनता के स्तर में डूब जाओगे। आपकी आत्मा की जो शुद्धि है
वो अधर में रह जाएगी। आपको अगर अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो पूरी तरीके से मीट मांस अंडा छोड़ना होगा, और शराब भी छोड़ दें तो बहुत बढ़िया है। पर इस तरीके के लोग अगर आपको प्रोवोक करते रहेंगे, आप उनके संपर्क में रहते रहोगे, तो वो कभी ना कभी एक मंजर ले आएंगे जब आपको वो अपने जैसा दोबारा बना देंगे या पूर्ण तरह आपको पवित्र नहीं होने देंगे। तो पहले तो ये लोग हो गए जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है। दूसरे तरीके के मैं लोग बताता हूँ। दूसरे तरीके के लोग हैं जो आपकी आत्मा का स्तर हमेशा गिराने की कोशिश करेंगे। वो ये लोग हैं जो आपको प्रवोक करेंगे कि आप गाली गलौज दो, जिसको बुलाओ माँ बहन की गाली देके बुलाओ, बहन की गाली दो, माँ की दो, हर तरीके की गालियों से संबोधन करो ताकि आपकी मर्दानगी, आपकी ताकत, आपका दबदबा साबित हो सके। तो इस तरीके के लोग हमेशा इस तरीके की गालियों का इस्तेमाल करते हैं। उनको किसी की माँ बहन के लिए कोई इज्जत नहीं है, तो वो आपको भी ऐसा बनना देखते हुए खुश होंगे। पर अगर आप ऐसे नहीं हो या अपने आप को बदल रहे हो, अब आप गालियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको अपनी इस जीभ को नहीं दूषित करना है। अगर आप चाहते हो आपकी जीभ पे हमेशा माँ सरस्वती बैठे, आपके अंदर इंट्यूशन पावर बढ़े, आपकी आत्मा जो है इस शरीर को मंदिर बना दे, तो अगर आप वो करने लगोगे और गालियाँ देना बंद करोगे तो ये लोग आपको रोकेंगे, प्रोवोक करेंगे कि गालियाँ दो। तो इन लोगों से भी आपको दूर रहना है। तीसरे लोग वो है जो दूसरे को मारने पीटने में झिझकते नहीं है। किसी जरा सी भी बात हो एकदम टेंपर उनका हाई हो जाता है, एकदम हाथ उठा देते हैं, किसी को भी थप्पड़ मार दिया, किसी को भी धक्का दे दिया, किसी के साथ भी वारदात कर दी, चाहे अनजान आदमी है, रोड पे मिल गया तो उसको मार पीट दिया, पड़ोसी है तो उसको हाथ उठा दिया, कॉलेज में है, कहीं वर्क एनवायरमेंट पे है, कहीं नौकरी में है, कहीं बिजनेस में है, कहीं भी हैं वो लोग, उनका गुस्सैल स्वभाव रहता है। तो वो आपको अपनी संगत में लेके वैसे ही आपका स्वभाव रख देंगे। वो चाहेंगे कि आप गाड़ी में हॉकी स्टिक लेकर रखो, वो चाहेंगे कि आप हमेशा हथियार लेके घूमो, तो आपको प्रोवोक करते रहेंगे कि आप इस तरीके का टेम्पर अपना रखो, गुस्से वाला टेम्पर रखो, और कभी भी कोई से किसी से गलती हो जाए, कोई बात हो जाए, तो सीधा आप हाथ उठा दो। तो ये भी आपकी आत्मा का स्तर गिराता है, आपके अंदर का ईश्वर जो है उसको मारता है। तो इस तरीके के लोगों के आप साथ रहेंगे, हमेशा आपके दिमाग में गुस्सा पनपेगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, टॉलरेंस लेवल कम हो जाएगी, और कभी ना कभी आपके हाथों कोई क्राइम हो जाएगा जो ये लोग चाहते हैं। अगेन आप ईश्वर से दूर होने वाला एक कार्य कर दोगे। तो इससे बेटर है आप इन लोगों की संगत से दूर रहो। अब बात आती है चौथे टाइप के लोगों की। चौथे टाइप के लोग हैं जो लालच पैदा करते हैं, जो आपको कोशिश करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि आप चीटिंग करो, धोखा दो, गलत माल बेचो, घटिया माल बेचो, लोगों को आटे में नमक की जगह नमक में आटा करो, ओवर प्राइज्ड माल बेचो, खराब माल बेचो, और माल दो तो किसी के लो तो किसी के पैसे ना दो, मतलब इस तरीके की नेगेटिव प्रैक्टिसेस जो बिजनेस की होती हैं वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, चाहे आपका कोलीग है, चाहे किसी भी वे में। तो अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस अपनाओगे, अपनी बरकत रोकोगे, जीवन में संघर्ष पैदा करोगे, अगेन आपकी जो जर्नी है एज अ सुगल तो वो तो खराब हो ही रही है, और ईश्वर के सामने भी आप हमेशा आपकी जो नज़र है वो झुकी रहेगी। तो इन तरीके के लोगों से आपको बचना है, जो भी आपको करने हैं फेयर मीन्स अपनाने हैं बिजनेस में हर जगह पे, ताकि आपकी वाकई में उन्नति हो, लक्ष्मी आपके यहाँ आए तो प्रसन्नता से आए, मलिनता आपके अंदर या आपके घर में या आपके व्यापार में या आपके धन में ना हो। अब पांचवे तरीके के लोग वो होते हैं जो अपने घर वालों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और बाहर जो भी होता है, जो भी इंसान मिलता है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, एरोगेंस दिखाते हैं, उनमें हमेशा एक अकड़ रहती है, वो किसी को कुछ नहीं समझते, किसी इंसान की इज्जत नहीं करते, हर एक इंसान को 2% का मानते हैं अगर उनके पास थोड़ा सा पैसा भी आ जाए तो। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो आत्मा से गिरे हुए होते हैं, उनकी आत्मा नहीं होती, वो एक शारीरिक चीज़ों पे, कंफर्ट्स पे, पैसे पे, लग्जरी पे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ही मरते हैं, और उन्हीं के द्वारा लोगों को जज करते हैं। तो किसी के पास अच्छे कपड़े होंगे, अच्छी बढ़िया गाड़ी बंगला होगा, तो उनकी सबसे पहले जलेगी, पर उन्हीं को वो अपने लेवल का समझेंगे, जो हल्का सा भी उनसे कम होगा उसको कुछ समझेंगे नहीं, गांठेंगे नहीं, 2% का इंसान समझेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। तो इस तरीके के लोग आपकी अगर संगत में हैं तो वो आपको अपने जैसा बना लेंगे, आपको प्रोवोक करेंगे कि वैसा ही एटीट्यूड आप रखो। वैसा एटीट्यूड आप रखोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उसी तरीके से गिरी हुई सोच वाला बना लोगे, लोगों को जज करने लोगे कपड़ों से, उनके पैसे से, और जो इंसानियत है उसको आप भूल जाओगे, जो आत्मिक शक्ति है उसको भूल जाओगे, इंसान में ईश्वर को देखना बंद कर दोगे, बल्कि इंसान को इन चीज़ों के माध्यम से तोड़ने लगोगे। तो ये
पांचों जो ट्रेट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये आपको ईश्वर से भी दूर करते हैं, आपकी आत्मा को भी गंदा और मलिन बनाते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करते हैं, आपके मुक्ति के मार्ग को बंद करते हैं और आपको प्रेत योनि में ज़्यादा टाइम सड़ने में मदद करते हैं। तो अब इन पांच तरीके के लोगों से कैसे दूर रहना है ये आप भली बात ही जानते हो। ये पांच तरीके के लोग अपने जीवन से निकाल दो या इनसे किनारा कर लो, अपने आप आपका जीवन बदल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिले। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।